जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की जो भर्ती आई थी उस वैकेंसी के बारे में, आपके एग्जाम डेट के बारे में, कब आपके एग्जाम हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी अभी आ चुका है हाल ही में, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी से जुड़ी कुछ जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वैकेंसी है आपकी छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग की, जो कि 2023 में निकाली गई थी, ठीक है। आपके इसके फॉर्म फिलअप अक्टूबर महीने में हुए थे 2023 में, ठीक है। फॉर्म फिलअप होने के बाद जो वैकेंसी आई थी आपकी, इसमें 880 पद थे, ठीक है। कुल पदों की संख्या जो थी इसमें 880 पद थी, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक, सहायक ग्रेड 3, इन सब के बारे में अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली गई थी, ठीक है। और इसमें 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं विभाग को। चूंकि ये भर्ती विभाग के द्वारा निकाली गई थी, जो छत्तीसगढ़ का उच्च शिक्षा विभाग है उसके द्वारा ये भर्ती निकाली गई थी, ठीक है। उनको ये अनुमान नहीं था कि इतने ज्यादा फॉर्म आएंगे, लेकिन अब 7 लाख से अधिक आवेदन जब आ गए हैं तो उन्होंने इसका प्रस्ताव भेजा है व्यापम के पास, ठीक है, कि प्रस्ताव भेजा है व्यापम के पास, ठीक है। व्यापम के पास इन्होंने प्रस्ताव भेजा है कि आप एग्जाम कराइए इस हमारी वैकेंसी का, ठीक है। अब जब आपके लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तब एक नोटिफिकेशन आया था कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, आपको छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और इस फॉर्म को आपको वेरीफाई करना होगा। जो बच्चे वेरीफाई करेंगे वो बच्चे इस व्यापम के एग्जाम को देंगे या इस एग्जाम को देंगे, ठीक है। लेकिन वैसा अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। जबकि उस टाइम कहा गया था कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, 2 महीने के अंदर आपके लिए एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ताकि आप लोग इसमें अपने फॉर्म को वेरीफाई कर सकें, ठीक है। तो ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो अब बात करें कि एग्जाम डेट के बारे में, तो अभी बताया जा रहा है कि आपके इस एग्जाम में और ज्यादा देरी हो सकती है, क्योंकि इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। अगर आपने इस वैकेंसी का फॉर्म भरा है तो आपको और अभी इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपके एग्जाम डेट से जुड़ी कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं दी गई है, ना तो व्यापम के द्वारा, ना तो किसी अधिकारी के द्वारा, ठीक है। लेकिन अगर अनुमान लगाए तो आपको अभी भी लगभग 2 महीने से अधिक का समय मिल सकता है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम की कम से कम 1-2 महीने पहले आपको इस फॉर्म को वेरीफाई करना होगा छत्तीसगढ़ व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो कम से कम 2 महीने तो पहले आपको ये कराना ही होगा, और आपके एग्जाम में कम से कम नहीं तो 1 महीने पहले तो बताना पड़ेगा कि आपका एग्जाम हम इस तारीख से लेंगे। तो कम से कम 2 से 3 महीने का समय तो आपके पास मिनिमम है। तो आप लोग अभी तैयारी में ढील ना दें, तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। मान लीजिए कि 2 से 3 महीने के आसपास ही आपके पास समय बच रहा है, तो अभी आपको इसमें लगभग 2 से 3 महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है कम से कम। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें और किसी प्रकार की ढील ना दें पढ़ाई में, ताकि आप इसमें से अपने लिए एक सीट ले पाए, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही अगर इससे जुड़ी कोई भी अपडेट मिलती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।